नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री विद्या चैनल और एनसीईआरटी ऑफिशियल। मैं हूं धर्मेंद्र सिंह। आज एक बहुत ही दिलचस्प सा एक टॉपिक मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए, सोशल साइंस के मद्देनज़र कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए, 6 के विद्यार्थियों के लिए, माफ़ कीजिए। यहाँ पर आज हम जानेंगे, चलिए एक कोड आपको सुनाता हूँ, उसके बाद आपको अंदाज़ा लगाना है कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। ध्यान दीजिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और कोई भी देश, राज्य या संस्था तब तक सही मायने में लोकतांत्रिक नहीं कही जा सकती जबकि उसके जो शक्तियों का विकेंद्रीकरण है वो उपयुक्त रूप से ना हो। और जहाँ पर आप टॉप से बॉटम की तरफ यानी उच्चतरीय स्तर से निचले की तरफ आएँ या निचले स्तर से ऊपर की तरफ जाएँ, दो बातें हैं यहाँ पर इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। प्लस एक चीज़ और भी कोट कर रहा हूँ जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने उसके बारे में कहा था, वो आपको अंदाज़ा लगाने की क्या है कि सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठकर चलाने वाला नहीं अपितु यह तो गाँव के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से चलता है। कुछ ना कुछ लिंक लगा होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। पंचायती राज के बारे में आज हम बात कर रहे हैं जिसका भाग एक लेकर आज हम उपस्थित हुए हैं। इससे संबंधित अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप कॉल कर सकते हैं हमारे टेलीफोन नंबर पर, देखिए अपने टेलीविजन स्क्रीन पर 8800440559। इसके अलावा आप मेल कर सकते हैं ऑफिशियल मेल आई डी फॉर क्लासिक्स dth.classics@cit.nic.in। स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर गोपाल प्रसाद शाही जो कि PGT पॉलिटिकल साइंस है, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय बी ब्लॉक यमुनानगर से हमारे साथ स्टूडियो में मुखातिब है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। ये जो अभी मैंने कोड रखा, ऑफ कोर्स दार्शनिक सी बात भी हुई जहाँ पर एक दार्शनिक अंदाज नजर आया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का, जिन्होंने बिल्कुल बिल्कुल गांव पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही, कितना सत्य इस चीज़ में। इसी कोड के सहारे फिर हम ये समझें कि पंचायती राज आखिर क्या है और इसके मुख्य उद्देश्य या मेन एम हम क्या समझ सकते हैं। निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जैसे कहते हैं भारत की आत्मा गांवों में बसती है और जब तक हमारे गांव समृद्ध नहीं होंगे, लोकतंत्र की जड़ें जब तक गांव में गहरी नहीं होंगी, तब तक मैं समझता हूं कि किसी भी देश में और ख़ास करके भारत जैसे देश में लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता है। तो आज की तारीख में भी यह बात उतनी ही प्रासंगिक है जितनी ये पहले थी। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि धर्मेंद्र जी ने कहा, आपको ऐसे आपने समझ लिया होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पंचायती राज। आपको विदित होगा कि हमारे देश में या दुनिया में जो सरकारें हैं वो कई प्रकार की होती हैं, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। अगर भारत के संदर्भ में हम लोग बात करें तो हमारे यहाँ तीन स्तर की सरकारें हैं, गवर्नमेंट एट थ्री लेवल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। तो आज हम लोग लोकल गवर्नमेंट के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था की बात करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, हमारे यहाँ सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात कही गई है। तो भारत एक विशाल देश है, 135 करोड़ से अधिक आबादी है और न जाने 135 करोड़ से अधिक लोगों की कितनी ही समस्याएं होंगी। तो मैं समझता हूँ कि इतने विशाल देश में इतने लोगों की अनगिनत समस्याओं का समाधान किसी एक स्तर की सरकार के द्वारा संभव नहीं है, चाहे वह केंद्र सरकार हो या विभिन्न राज्यों की सरकारें हों। तो इसलिए हमारे देश में सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात पहले से ही उठती रही है और इसी के अंतर्गत सत्ता को विभिन्न स्तरों पर विभाजित किया गया है। कुछ कार्य राष्ट्रीय स्तर की सरकार के अंतर्गत आती हैं, कुछ कार्य राज्य स्तरीय सरकारें करती हैं और कुछ कार्य ऐसे हैं जो स्थानीय सरकारों के द्वारा संपन्न किया जाता है। तो हमारे देश में लोकल गवर्नमेंट के अंतर्गत, विशेष करके हम आज बात करने जा रहे हैं रूरल एरियाज की, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है। प्यारे बच्चों, 1957 में धर्मेंद्र जी एक कमेटी बनी थी, बलवंत राय मेहता कमेटी, तो उसके अंतर्गत कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, ये दो संस्थाएं पहले से इस देश में काम कर रही थी। तो उसके काम किस प्रकार के थे, उनमें कौन कौन सी कमियां थी, कैसे उसको और प्रभावशाली बनाया जा सकता था और उसके लिए कौन कौन से कदम उठाने आवश्यक थे, तो इसी बात को लेकर बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई गई थी 1957 में। और उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया 1992 में, 1992 में यह एक्ट संविधान के द्वारा, जैसे कहते हैं कि 73rd जो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है,
भारत के संविधान का जो 73वां संशोधन है उसके माध्यम से हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने की बात कही गई और 24 अप्रैल 1993 से ये इफेक्टिव हुआ और 2010 में भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। अब हम लोग अगर देखें तो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो गाँव का शासन है उसको 3 स्तरों पर विभाजित किया गया है। विलेज लेवल पर विलेज पंचायत, ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति या कई जगह पे उसे मंडल समिति भी कहा जाता है और ऊपरी स्तर पे आपको या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय 3-tier गवर्नमेंट की बात कही गई है। आई थिंक स्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हैं जो पंचायती राज व्यवस्था के सिस्टम की अंतर्गत। बिल्कुल एग्जैक्टली मैं इसी की बात कर रहा हूँ। तो हमारे यहाँ गाँवों के स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक के लेवल पे पंचायत समिति और जिला के स्तर पे जिला परिषद। अब देखें तो जिन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की आबादी 20 लाख से अधिक है उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आपको 3-tier पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और विलेज लेवल पे। लेकिन जिन राज्यों में या जिन राज्यों की आबादी 20 लाख से कम है वहाँ केवल 2 ही लेवल की सरकारें हैं, विलेज लेवल पे और आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अब देखें जैसे एक पंचायत कई गांवों में विभक्त होता है और हर गांव में एक ग्राम सभा होती है, तो एक पंचायत में एक से अधिक गांव हो सकते हैं और हर गांव की अपनी ग्राम सभा होती है। तो ग्राम सभा में उस गांव के वैसे व्यक्ति जिनकी उम्र 18 वर्ष अथवा उससे अधिक है वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं और पंचायत के सदस्यों का चुनाव ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। अच्छा चलिए इतनी बातें तो आपने बताई, बहुत महत्वपूर्ण ये बातें रही। समय का ध्यान रखते हुए मैं जल्दी जल्दी इन चीज़ों को आपके सामने रखाऊँ। आखिर ऐसी क्या जरूरत थी कि पंचायती राज व्यवस्था है, भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक है पूरे विश्व में सारे जानते हैं, तो फिर भारत में ही ये आवश्यकता मतलब ऐसी क्यों पड़ी कि कंट्री लाइक इंडिया पंचायती राज व्यवस्था जैसी व्यवस्था को लाने की हमें क्या उसकी आवश्यकता को हम देखते हैं? जैसा कि हमने पहले कहा कि हमारे यहाँ विशाल आबादी है, अनगिनत समस्याएं हैं और किसी एक स्तर की सरकार के लिए यह संभव नहीं है कि उन तमाम समस्याओं का समाधान ढूंढा जाए। और जब तक सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं होगा तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो ग्राम पंचायत का स्ट्रक्चर है, जो जनता के नुमाइंदे होते हैं, क्योंकि उसका क्षेत्र कम होता है तो इस वजह से वो अपने क्षेत्र की समस्याओं से, अपने क्षेत्र के लोगों से बेहतर अवगत होते हैं और जनता भी ये अपने प्रतिनिधियों से सीधे संवाद कर सकती है और अपनी समस्याओं का समाधान ग्रासरूट लेवल पे पॉसिबल है। इसीलिए पंचायती राज व्यवस्था कि पंचायती राज सिस्टम को जो है लागू किया गया है ताकि गांव के स्तर पे निचले स्तर की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को हम बेहतर तरीके से समझ सकें और उसी लेवल से अगर उसका समाधान हो जाता है तो मैं समझता हूं कि इसकी वजह से आपको स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट है या जो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है उसके जो बर्डन्स हैं या जो वर्कलोड है उसमें भी कमी आएगी और गाँव के जो लोग हैं उनकी भी समस्याओं का बेहतर निराकरण संभव है। आप बात तो रखें, कम से कम आप डायरेक्टली हायर की तक नहीं जा सकते, वो बात ही नहीं पहुंच रही है जो मसला है। तो यस बिल्कुल कोई तो एक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसको पंचायती राज के सापेक्ष हम देखते हैं। 1993 के संदर्भ में आपको लेकर चलूँ कि ऐसे 5 कौन से वो ऐसे इफेक्टिव रूल्स थे जो पंचायती राज के संबंध में हम उनको प्रकाश में लाने की कोशिश करें। बिल्कुल, तो 1993 से पहले अगर भारत में देखें तो पंचायती राज व्यवस्था के प्रति विभिन्न जो राज्य सरकारें थी उनका कोई सकारात्मक रुझान नहीं था। नियमित तौर पर उसका चुनाव नहीं होता था, उन्हें विभिन्न प्रकार के जो अधिकार दिए जाने चाहिए थे या जिसकी बात कही गई थी बलवंत राय मेहता कमेटी में वो उन्हें प्रदान नहीं किया गया था। जो फंड था उसका भी एलोकेशन टाइम टू टाइम नहीं होता था। अच्छा, राज्य सरकारें बहुत अधिक दिलचस्पी नहीं लेती थी, कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा महसूस होता था कि पंचायती राज सिस्टम को अगर इफेक्टिवली लागू किया जाता है तो राज्य सरकारों के अधिकारों में कटौती होगी और राज्य सरकारें इसके लिए कतई तैयार नहीं थी। तो इसकी वजह से आपका एक स्टेटमेंट यहीं पर
में एक क्वेश्चन जोड़ रहा हूँ कि आज के परिदृश्य में तो हम ऐसा चैलेंज आखिरकार नहीं देखते या वास्तव में देखते जो पोशीदा है हमें वो मालूम नहीं चलता कि राज्य सरकार है वास्तव में उसको एक चैलेंज के रूप में देख रही है या राज्य सरकार को वास्तव में एक ऐसे चैनल की जरूरत है जो उनका भी काम कहीं ना कहीं आसान करे। मैं तो समझता हूँ कि राज्य सरकारों को भी एक ऐसे चैनल की जरूरत है जिसके माध्यम से वो अपनी नीतियों को अपने कार्यक्रमों को बेहतर तरीके से क्रियान्वित कर सके। लेकिन 1993 के बाद जो बुनियादी परिवर्तन आया पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत, उसमें यह कि अब प्रत्येक 5 वर्ष पे उसका चुनाव कराया जाना वो कंपलसरी कर दिया गया। स्टेट इलेक्शन कमीशन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। जो फंड सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एलोकेट किए जाते हैं, जो फंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं और कई और सोर्स हैं जिसके माध्यम से रेवेन्यू का कलेक्शन पंचायतों के द्वारा किया जाता है, वो अनिवार्य कर दिया गया। बहुत सारे क्षेत्रों में अगर आप देखें तो काम करने की जिम्मेदारी जो है वो पंचायतों के ऊपर लागू की गई है या लाद दी गई है। तो मैं लाद दी गई ऐसा कहना मैं उचित नहीं समझता हूँ कि पहले जो कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य सरकारों के द्वारा संपन्न किया जाता था तो वो कार्य अब पंचायतों के माध्यम से बेहतर तरीके से संपन्न किया जा रहा है। तो इस तरह से अगर देखें तो आज भारत के तमाम राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था लागू है। अगर कुछ एक राज्यों को हम छोड़ दें, जैसे आपको मणिपुर है, मेघालय है, नागालैंड है, इन राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में आपको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है जहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। इसके अतिरिक्त जो बाकी के हमारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सभी प्रदेशों में आपको पंचायती राज व्यवस्था लागू है। इसके चुनाव समय पर होते हैं, व्यापक इन्हें अधिकार दिए गए हैं और जो फंड का एलोकेशन है वो भी समय समय पर रिलीज किया जाता है ताकि वित्तीय संकट का सामना न करना पड़े। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि आपको 1993 के बाद से पंचायती राज व्यवस्था जो हमारे देश में है वो सशक्त होकर सामने आई है और ये अपने कार्यों को वो बेहतर तरीके से कर पाने में आज सक्षम है। क्या बात है। और आजकल तो ग्रामीण स्तर पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एक तहसील दिवस भी मनाया जाता है जहाँ पर SDM साहब भी आते हैं, कभी कभी IAS अधिकारी भी वहाँ पर जाकर बैठते हैं जहाँ प्रधान ग्राम प्रधान को जाना भी होता है। तो ठीक है, अब अच्छे से उसको चैनलाइज किया जा रहा है। एक टर्म हम सुनते हैं ग्रामीण स्तर पर वो है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, या तो स्त्री हो सकती है या पुरुष, दोनों ही हो सकते हैं। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में थोड़ा समझ लें। अच्छा, एक चीज़ में और मैंने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के ऊपर आने से पहले मैं एक पॉइंट और यहाँ पे क्लियर करना जरूरी समझता हूँ कि जैसा हमने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत 3 tiers गवर्नमेंट की बात कही गई है या इंस्टीट्यूशन की बात कही गई है कि विलेज पंचायत, आपको पंचायत समिति और जिला परिषद। तो आप देखें कि तीनों ही स्तरों पर विलेज पंचायत या जो ग्राम पंचायत होती है तो उसमें ग्राम सभा के चुने हुए सदस्य होते हैं और एक सरकारी व्यक्ति होता है जिसे पंचायत सेक्रेटरी कहा जाता है। तो ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने का, उसका रिकॉर्ड रखने का जो जिम्मा है वह किसके अंतर्गत है? पंचायत सेक्रेटरी के अंतर्गत है। तो उसी प्रकार कहने का अर्थ हुआ कि तीनों ही लेवल के जो इंस्टीट्यूशन हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, इन तीनों में सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। तो ग्राम पंचायत में पंचायत सचिव जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, ब्लॉक लेवल पे आपको BDO या जिसे हम लोग कहते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या प्रखंड विकास पदाधिकारी, और डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कहा जाता है। तो पूरे पंचायत यानी एक ब्लॉक के अंतर्गत जितने भी आपको ग्राम पंचायतें आती हैं उन सभी के कार्यों की समीक्षा करना, विकास कार्यों को देखना, जो समस्याएं उस ब्लॉक के अंतर्गत लोगों की है उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, तो यह जिम्मेदारी किसके अंतर्गत आती है? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या प्रखंड विकास पदाधिकारी के अंतर्गत आती है। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि एक ब्लॉक कई ग्राम पंचायतों से मिलकर बनी होती है और उस ब्लॉक के अंतर्गत जितने भी ग्राम पंचायतें आती हैं उन सभी ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों को संपन्न कराना। जैसे उदाहरण के लिए अगर कहीं पेयजल की समस्या है, कहीं सिंचाई की समस्या है, हेल्थ की समस्या है, रोड्स की, कलवर्ट्स की, या और भी यानी विभिन्न पंचायतों से संबंधित जो भी विकास कार्य हैं उसको बेहतर तरीके से लागू करने की जिम्मेदारी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के अंतर्गत आती है। इसके अतिरिक्त जो आपको ग्राम पंचायत और जिला परिषद है उन दोनों के बीच की एक कड़ी है, दोनों में बेहतर कोऑर्डिनेशन हो, बेहतर तालमेल हो, यह भी जिम्मेदारी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की है। संक्षेप में अगर कहा जाए तो
एक ब्लॉक के अंतर्गत जितने भी गांव या ग्राम पंचायतें आती हैं उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट की जिम्मेदारी अगर किसी एक व्यक्ति के अंतर्गत है तो वो है आपको ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के अंतर्गत। क्या बात है, तो जिम्मेदारियां हर जगह हैं और मैं समझता हूँ निश्चित रूप से उन सबका निर्वाह भी अब कहीं ना कहीं हो रहा है। अब एक वो भी है ना कि सरकारी जो दमन चक्र के तरीके से चला है कि अब आप उतना आराम से काम नहीं कर सकते, लेकिन एक बात तो खैर त्रिस्तरीय ढांचे में बहुत अच्छी लगी जो आपने कार्यक्रम की शुरुआत में की कि ग्रास रूट लेवल से आप कम से कम उस बात को हायर की जिनको आप जानते नहीं, तथाकथित नाम आपने सुना है, लेकिन फेस टू फेस जाकर आप अपनी बात को रख तो सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में कुछ भी कमी हो तो कम से कम निश्चित रूप से पहुंच रही है। चलिए, कई बार तो ऐसा होता है कि जैसे किसी पर्टिकुलर गांव से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो किसी भी तरह की हो, चाहे एजुकेशन से, इरीगेशन से, एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, तो हर एक के लिए आप पॉसिबल नहीं है कि अपनी उस समस्या को स्टेट गवर्नमेंट तक, सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाए, और सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी इतना पॉसिबल नहीं होता है कि उन तमाम समस्याओं को मतलब ध्यान में रखते हुए उसका उचित निदान या उसका निराकरण वो करे। तो इसलिए अगर गांव की कोई समस्या हो और गांव के स्तर पर ही संबंध संपन्न हो जाए तो मैं समझता हूँ इससे बेहतर कोई बात नहीं है, और इससे वास्तव में लोकतंत्र हमारे देश में और मजबूत होगा, और उसमें जैसे कहते हैं ना कि लोगों की जो भागीदारी या जो जन भागीदारी है वो भी जैसे सशक्त हो, बड़े पैमाने पे और भी वो सुनिश्चित होगी। अच्छा, आप इस स्तर पर हम दो टर्म तब भी सुनते हैं, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत, सुनने में ऐसा फील होता है कि दोनों एक जैसे ही हैं, क्या कुछ इसमें एक मूलभूत अंतर देखा जा सकता है शाही जी? हाँ जी, मैंने आपको कहा कि जैसे हर गाँव की में वयस्कों की एक सभा होती है जो एडल्ट यानी हैविंग एज ऑफ 18 ईयर्स एंड अबव दे फॉर्म ग्राम सभा। ओके, तो एक ग्राम गाँव में जो वैसे व्यक्ति जिनकी उम्र 18 वर्ष अथवा उससे अधिक है और वोटर लिस्ट में जिनका नाम दर्ज है वो मिलकर ग्राम सभा का गठन करते हैं, और ग्राम सभा के द्वारा ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव किया जाता है। तो ग्राम पंचायत वो ग्राम सभा से ऊपर का लेवल है, और एक ग्राम पंचायत कई वार्ड्स में बटे हुए होते हैं, और हर एक वार्ड में जनता का जो प्रतिनिधि होता है यानी उस वार्ड के जो भी रेसिडेंट्स हैं, जो भी वहाँ के निवासी हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है, वो जिसका चुनाव करते हैं वो पंच कहलाता है, और फिर पंचों के माध्यम से ही, सॉरी पंच नहीं बल्कि हम कहेंगे कि उस पूरे ग्राम पंचायत के जो लोग हैं वो मिलकर के एक सरपंच का चुनाव करते हैं, और सारे ये जो पंच हैं वो किसके अधीन काम करेंगे, सरपंच के अधीन काम करेंगे, यानी सरपंच की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत काम करती है। तो जो ग्राम सभा है हमारा वह गांव के व्यस्कों के द्वारा बनाई गई एक सभा है, और ग्राम सभा के द्वारा ग्राम पंचायत का चुनाव होता है। ग्राम पंचायत किसके प्रति जिम्मेदार होती है, ग्राम सभा के प्रति होती है, आंसरेबल टू ग्राम सभा, और जो भी पंचायत से संबंधित विकास कार्य हैं उसके बारे में जानकारी रखने का अधिकार अगर किसी है तो वो है ग्राम सभा को, और उसमें गांव के लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, या कोई फंड का एलोकेशन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से या ब्लॉक के माध्यम से अगर उसे एलोकेट किया जाता है तो उसका कैसे यूज करना है, नहीं करना है, तो इसके बारे में व्यापक चर्चा अगर कहीं होती है तो वो ग्राम सभा में होती है। चलिए, अब आप ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में अंतर भी समझ गए होंगे। एक और टर्म सुनने को मिलता है वो है न्याय पंचायत, इसके बारे में भी समझ लेते हैं। बिल्कुल, और अगर आप अगर कहें कि अपनी भाषा में अगर मैं कहूं तो एक तरह से जो न्याय पंचायत है वो बेसिकली क्या होता है, वो विलेज लेवल का कोर्ट है, ठीक है, जो ग्रामीण स्तर का न्यायालय है उसे न्याय पंचायत कहा जाता है। और हमने जैसा कि अभी कुछ देर पहले भी कहा था कि न्याय पंचायत में कई पंच और एक सरपंच होता है, तो हर वार्ड के अंतर्गत एक पंच का चुनाव होता है और पूरे पंचायत के लिए एक सरपंच का चुनाव होता है। तो जो भी उस क्षेत्र के अंतर्गत कोई छोटी मोटी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को वहां पे उठाया जाता है, उसको सुनना, अगर किसी तरह का अगर कोई दंड मान लो कि किसी को देना है या सजा देने का काम वह न्याय पंचायत के द्वारा किया जाता है। तो यानी न्याय पंचायत गांव के लेवल की एक जुडिशियरी है हमारी, ठीक है, लेकिन उन्हें किसी व्यक्ति को यानी न्याय पंचायत के माध्यम से किसी व्यक्ति को जेल नहीं भेजा सकता है, जेल भेजने का अधिकार न्याय पंचायत को नहीं है, न्याय पंचायत छोटे मोटे जो मुकदमे हैं उस पंचायत से संबंधित उसकी सुनवाई जो है न्याय पंचायत करती है, और
किसी भी प्रकार का अगर फाइन करना हो, अगर किसी को कोई पनिशमेंट अगर देनी हो, तो वह न्याय पंचायत के द्वारा किया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि छोटे मोटे स्तर के जो लड़ाई झगड़े हैं, जो जो डिस्प्यूट्स हैं, उसको विलेज लेवल पे सॉर्ट आउट करने के लिए जो इंस्टीट्यूशन है, उस इंस्टीट्यूशन का नाम है न्याय पंचायत। चलिए, तो जो छोटे मोटे झगड़े हैं उसको फिर हायरार्की तक ले जाने की आवश्यकता नहीं, वहीं पर उसको सुलझाने की कोशिश की जाती है। मुचल का एक शब्द आता है, थोड़ा बहुत दंड दिया चलिए हो गया, आगे से आप ऐसी गलती नहीं करेंगे, हिदायत के साथ। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें अभी भी ग्रामीण स्तर पर व्यवस्था है, जो कि यस एक राजनीतिक उसका अंग कही जा सकती है। एक पॉइंट पर और ज़रूर मैं आपको ओपिनियन चाहूँगा कि ग्राम सभा की जो इम्पोर्टेंस है, महत्वता है, वो क्या है? क्या वहाँ पर भी ऐसी मीटिंग्स होती हैं, जो अभी आपने जिक्र किया था, ग्राम स्तर पर जो मीटिंग्स होती हैं मेंबर्स की, वो अटेंड करना जरूरी होता है? अगर हाँ तो क्यों? नहीं, मेरे जैसे कोई कंपलसरी कह सकते हैं कि मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन उसका इम्पोर्टेंस इस रूप में है कि ग्राम सभा के अंतर्गत गांव के विकास कार्यों से संबंधित विषयों की चर्चा होती है। तो ग्राम सभा के जितने सदस्य उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, या सपोज करें अगर किसी पर्टिकुलर गांव में हैंडपम्प की व्यवस्था होने जा रही है, या वहाँ पर सड़क का निर्माण हो रहा है, तो सड़क का निर्माण कैसे हो, किस जो है रूट से उसको हम गुजार सकते हैं, या मान लो कि वहाँ कहीं हैंडपम्प लगाना है, अगर एक या दो का एलोकेशन हुआ है तो उसकी व्यवस्था कहाँ पे कैसे करनी है। तो मैं समझता हूँ कि ग्राम सभा के सदस्य जितने एक्टिव होंगे तो उतने बेहतर तरीके से ग्राम सभा काम करेगी, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है सभी व्यक्ति के लिए कि ग्राम सभा के सभी सदस्यों की उपस्थिति वहाँ जरूरी हो। लेकिन देखा गया है कि जिस राज्य में या जिस पंचायत में ग्राम सभा जितनी सशक्त होती है, लोगों की भागीदारी जितनी बेहतर होती है, तो वहाँ ग्राम सभा उतनी इफेक्टिवली काम करती है और उनकी जो भी समस्याएं हैं उसको बेटर तरीके से एड्रेस किया जाता है, उसको सॉर्ट आउट किया जाता है। तो इस वजह से ग्राम सभा का बहुत अधिक इम्पोर्टेंस है। देखिए, कई जगह पर तो ऐसा है कि जो नियर बाय तहसील है वो 50-60 किलोमीटर दूर है, आप या तो 100 किलोमीटर दूर है, आवागमन की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन उतना बेहतर नहीं है। ग्रामीण स्तर में रूमेट एरियाज में कहीं पर ये समस्या होती है। कम से कम चलिए ये ग्राम सभा जैसी कोई नामक संस्था तो है जहाँ पर आपको लंबा नहीं आना है, आप अपनी बात को वहाँ पर रख सकते हैं। 4 मिनट का समय अभी भी बाकी है। साई जी, गांधी जी की जो जी आप कुछ कह रहे हैं कुछ, तो जैसे आप देखें तो क्वेश्चन से हैं, मैं समझता हूँ कि एक बार जी जी उन पर भी नज़र डाली जाए। हाँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जी, बिल्कुल। जैसे अब तक जो चर्चा हुई है उसके मुझे लगता है कि पश्चात इन प्रश्नों के ऊपर बच्चों का ध्यान एक बार आकर्षित करना जरूरी है। आप देखें कि द सिस्टम एनेबल्स पीपल टू रन देयर ओन लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज, डेमोक्रेसी, पंचायती राज, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, क्या होगा इसका राइट आंसर? पंचायती राज जो हम पढ़ रहे हैं निश्चित रूप से, तो इसका पहले का है पंचायती राज। उसी तरह से जो दूसरा प्रश्न है कि द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्लॉक समितीज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड अदर मेंबर्स हु वर्क एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल मेक्स अप द पंचायती राज, स्टेट, ग्राम पंचायत, जिला परिषद। चलिए, कक्षा 6 के हिसाब से मैं ग्राम पंचायत की तरफ जाऊंगा इधर। नहीं, ये जिला परिषद है। क्यों जिला परिषद? जैसे हमने कहा ग्राम पंचायत के सदस्यों से मिलकर के ब्लॉक समिति जो है ना उसका निर्माण होता है, और ब्लॉक समिति के जो सदस्य हैं वो मिलकर के जिला परिषद का गठन करते हैं, और जो ये लोकल MLA और MP होते हैं, यानी उस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी और जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी आते हैं उसके जो मेंबर्स होते हैं वो भी उसके सदस्य होते हैं। अभी हमने क्या कहा कि पंचायत के जो सदस्य होते हैं उनसे मिलकर के ब्लॉक, उससे ऊपर लेवल ब्लॉक का गठन हुआ, और फिर उसी तरह से ब्लॉक समिति के जो मेंबर्स होते हैं उससे मिलकर के जिला परिषद का गठन होता है। वहां पर भी जाकर 2 एस्पेक्ट्स हो जाते हैं जो अभी ब्लॉक की उसकी बात कर रहे हैं आप। हाँ जी, चलिए, तभी यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन था, वो क्रिएट हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट देखें, द वर्क डन बाय द ग्राम पंचायत एंड द अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर कैन बी रिव्यूड बाय द, जो ग्राम पंचायत के काम है उनके खर्च का जो लेखा जोखा है, ठीक है, उसका मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है? ग्राम सभा, स्टेट इलेक्शन कमीशन, न्याय पंचायत, ब्लॉक समिति? अति देखिए, फंड की यहाँ पर बात हो रही है एक्सपेंडिचर की, तो वो तो स्टेट इलेक्शन कमीशन ही आपको प्रोवाइड कराता होगा। नहीं, स्टेट इलेक्शन इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम है नियत मैंने जो अंतराल पे उसका चुनाव संपन्न कराना, बेसिकली ये न्याय पंचायत का काम है।
ये तो एक नया एस्पेक्ट समझ में आया। मान लीजिए कि किसी जगह चुनाव मुझे कराने हैं, आई मीन मुझे का मतलब जो मैं नोडल अधिकारी हूँ जो चुनाव से संबंधित है, वो जो फंड आ रहा है ऊपर से केंद्र सरकार की तरफ से, पहले तो उस फंड के प्रॉपर यूटिलाइजेशन को लेकर के इसका कोई रोल नहीं है। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि उसको लेके स्टेट इलेक्शन कमीशन का कोई रोल नहीं है उसमें, वो न्याय पंचायत। इसी तरह से एक और प्रश्न है कि एन इम्पॉर्टेंट लिंक बिटवीन द ग्राम पंचायत एंड द जिला परिषद इज द ब्लॉक समिति, लोकसभा, न्याय पंचायत, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ तो ब्लॉक समिति, ब्लॉक समिति, इसकी चर्चा अभी हमने थोड़ी देर पहले की, और इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें डिस्कशन के लिए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि समय इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा है। तो होम असाइनमेंट के रूप में कुछ प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैं बच्चों से चाहूँगा कि आप पढ़ें और इन प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करें, और किसी तरह की अगर दिक्कत हो तो बहुत सारे माध्यम हैं जिसके द्वारा आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। निश्चित रूप से मैं उन प्रश्नों का उत्तर देना मुनासिब समझूंगा जो जिन्हें शॉर्ट आउट करने में आपको या जिनके सॉल्व करने में आपको दिक्कत आ रही हो, जैसे कि व्हाट इज पंचायती राज, व्हाट डज इट एम एट, इसका क्या लक्ष्य है, क्या पंचायती राज है। उसी तरह से व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज सिस्टम, व्हाई इज द पंचायती राज सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट इन अ कंट्री लाइक इंडिया, राइट फाइव रूल्स विच बिकेम इफेक्टिव फ्रॉम अप्रैल 1993 रिगार्डिंग पंचायती राज, हु इज अ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, व्हाट इज हिज स्लैश हर इम्पोर्टेंस, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ग्राम सभा एंड अ ग्राम पंचायत। आई थिंक इस पूरे सेशन में हमने इन्हीं मुद्दों पर बात की है, और मैं समझता हूँ आपके भी जो डायलेमाज है वो दूर हो गए। एक दो जगह जरूर थोड़ा सा कन्फ्यूजन मामला था, लेकिन वो भी हमने अच्छी तरीके से समझा। तो कुल मिलाकर पंचायती राज एक बहुत बृहद अवधारणा है और बहुत प्रासंगिक भी, जिस तरीके से हमने उसके इतिहास को लेके यहाँ तक उसको समझने की कोशिश की। चोल काल में एक स्वायत्त शासनिक व्यवस्था होती थी कहीं ना कहीं, एक वो मॉडल भी ऐसा ही जाकर मिलता है प्राचीन इतिहास में, दक्षिण भारत की अगर आप बात करें। चलिए, समय हमारे पास इतना ही था, मुझे असाई जी आपको यहीं पर रुकना होगा, साथ में आपको देना होगा बहुत सारा धन्यवाद भी। आप स्टूडियो आए और आपने पंचायती राज पर इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे स्टूडेंट्स के लिए, दर्शकों के लिए बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत कहते हैं धन्यवाद आपका और सभी दर्शकों का। और इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन के लिए और रह गई है, तो नेक्स्ट सेशन में, और खास करके जो अर्बन एरियाज है, मैं चाहूँगा कि वहाँ पर पंचायती राज सिस्टम का कौन सा स्वरूप वहाँ पर है इसके बारे में, तो मैं समझता हूँ कि रूरल एरियाज के साथ साथ जो अर्बन एरियाज के जो स्टूडेंट्स उसको बेटर समझ में, जैसे हम लोग म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है या म्युनिसिपैलिटीज है, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो नेक्स्ट सेशन तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया, चलिए यहीं से उसका बिल्डअप हो गया। जरूर आप नेक्स्ट सेशन देखेंगे जब भी हम उसको आपको लेकर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सारे दर्शक जो भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। अगला प्रोग्राम जो है वो है वेबिनार ऑन वेरियस आईसीटी टूल्स, कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्रधानमंत्री विद्या चलन। नमस्कार।